त्योहारों के मद्देनजर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में प्रभारी क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र नारायण, इंस्पेक्टर कैंट रवि राय सहित पुलिस और एलआईयू की टीम ने गोलघर की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इस दौरान पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने बलदेवा प्लाजा तथा सिटी मॉल में चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कोई भी वस्तु या व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में नहीं मिला। एसपी सिटी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित न होने से पाए। एसपी सिटी ने जनता से अपील किया कि आपको कहीं भी कोई वस्तु या व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ तुमने कहा, सारे शीशे हम लोग तोड़े, कई जगह से कट किया गया, पीछे कवर करिए गली। बाहर गर्म कर दिया आप पहुंचिए, कैसे निशान लगाए जी उन लोग के दोनों। सारथी ना है भैया, सारथी। हेलो जाता है रात चला। अपना काम देखो।
करते हैं, कौन से शहर में जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान हैं, रेलवे स्टेशन जैसी चीज़ें, उन सब की चेकिंग के लिए कप्तान साहब द्वारा आदेश दिया गया है। उसी आदेश निर्देश के अंतर्गत LIU की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल, कनाइन यूनिट, लोकल पुलिस, हम सब मिलके चेक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी अनाधिकृत वस्तु न रखी हो जो कि वहाँ की सुरक्षा को किसी तरह से प्रभावित कर सके, तथा यहाँ पर जो सुरक्षा का जो मैकेनिज्म है वो सही है कि नहीं, उसको चेक करने का एक प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। त्यौहार भी आने वाले हैं, 15 अगस्त, इन्हीं सब चीज़ों को लेके चेकिंग ज़्यादा बढ़ी हुई है कि 15 अगस्त भी आने वाला है, कई त्यौहार भी हैं, सावन का मेला भी चल रहा है, इन सबको देखते हुए ये सारी चेकिंग की जा रही है। कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, मगर कहीं अगर हमें लगा है कि सिक्योरिटी में लूप होल है तो सभी अधिकारियों द्वारा उनको पॉइंट आउट किया गया है और बताया गया है कि इन लूप होल्स को ये बंद करें। पब्लिक से यही है कि अगर उनको कुछ भी ऐसा दिखता है जो सही नहीं हो रहा है और उन्हें लगता है कि कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है, तो किसी भी समय पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म करें। हम तत्पर हैं कि किसी भी जगह सही समय पर पहुँच सकें। कप्तान साहब के निर्देशन में कई QRTs बनाई गई हैं पूरे जनपद के लिए, जो कुछ ही मिनट के अंदर कहीं पहुंच सकती हैं, तो हमारी तैयारी हम अधिक से अधिक बेहतर करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं।